हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिविका और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एक नायका हॉल जिसमें आपको स्किन केयर प्रोडक्ट, हेयर केयर प्रोडक्ट एंड मेकअप प्रोडक्ट तीनों तरह के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा सारे प्रोडक्ट्स देखने के लिए। या बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हॉल क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, टाइम लगने वाला है। एज वी ऑल नो दैट नायका पिंक फ्राइडे सेल इज लाइफ और उसमें आपको काफी अच्छे प्राइसेस में सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ऑल्दो ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने पिंक फ्राइडे सेल पे नहीं ऑर्डर किए थे, कुछ ऑर्डर किए हैं कुछ नहीं ऑर्डर किए हैं, बट आई थॉट कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू शेयर दिस हॉल सो दैट आपको अच्छे से अच्छा ऑफर प्राइस मिल जाए। सारे प्रोडक्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिना कोई देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। जो फर्स्ट प्रोडक्ट है ना, सो दिस इज अ माइक्रो फिनिश फिक्सिंग स्प्रे बाय पैक और इसकी क्वालिटी इज रियली नाइस, स्मेल इज रियली गुड और बहुत अच्छे से होल्ड करता है आपके मेकअप को। लाइक ये जो लुक है, जो नो मेकअप लुक है, ये मैंने करीबन अभी 3 से 4 घंटे पहले किया था एंड उसके बाद मैंने ये स्प्रे कर लिया था। उसके बाद मैंने बहुत सारी वीडियो शूट की है, बहुत गर्मी भी लग रही थी, सब कुछ मतलब स्वेटिंग भी हो रही थी, बट स्टिल मेरा मेकअप बिल्कुल वैसे का वैसा है, बिल्कुल भी मूव नहीं किया है। सो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, थोड़ा एक्सपेंसिव है बट वर्थ द मनी, सो यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दिस इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस। और काफ़ी बड़ी पैकेजिंग है तो ये बहुत दिन लास्ट करने वाला है, तो उस तरह से देखो तो रीजनेबल प्राइसिंग है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अगेन फ्रॉम पैक, दिस इज अ कोल्ड पेंसिल इन स्किन कलर। सो यहाँ पे मैं एक टिप भी शेयर करूंगी दैट अगर आप मेकअप करते हो या फिर नो मेकअप लुक करते हो या फिर कोई भी मेकअप नहीं करते हो बट यू वॉन्ट, मतलब आप काजल लगाते हो टू मेक योर आईज लुक बिगर, तो आपको कोई स्किन कलर या व्हाइट कलर का काजल लेना है और अपनी वाटर लाइन पे ब्लैक काजल नहीं लगाना है, अपनी वाटर लाइन पे स्किन कलर का या व्हाइट कलर का काजल लगाना है। आप एक बार कंपेयर कर लेना भले, इतना सही लगता है ना। लाइक मैंने एक बार अप्लाई किया था, उसके बाद आई हैव नेवर अप्लाइड ब्लैक काजल ऑन माय वाटर लाइन। मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ व्हाइट काजल, इफ़ यू कैन सी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा व्हाइट काजल अप्लाई किया है, उससे आपकी आईज बहुत बड़ी लगती है और बहुत सुंदर भी लगती है। और आप इससे मेकअप लुक्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो, बहुत सारे मतलब नॉर्मल लाइनर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। सो इसके एक साइड में आपको ये काजल मिल जाता है और एक साइड में आपको ये स्मज ब्रश मिल जाता है और इसकी क्वालिटी इज मतलब एक स्वाइप में एकदम स्मूथली अप्लाई हो गया। सो इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, डेफिनेटली इसको परचेज कर सकते हो। जिप लॉक बैग में आता है, सो बहुत सही है इसकी पैकेजिंग भी और ये हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहता है, तो मैंने इसको 2 से 3 महीने तक पूरा यू नो नोटिफाई में करके रखा था, उसके बाद मुझे मिला है। नेक्स्ट प्रोडक्ट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है दैट इज अ वाटर जेल बाय न्यूट्रोजिना। सो बिफोर अप्लाइंग मेकअप अगर आप कोई भी वाटर जेल अप्लाई करते हो ना फेस पे, तो उससे मेकअप बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल भी यू नो केकी नहीं लगता है, बहुत ही स्किन टाइप मेकअप लगता है। लगता नहीं है कि मतलब बहुत कुछ अप्लाई किया है वैसा कुछ, और क्रैक्स नहीं आते हैं मेकअप में। अगर आप मतलब सही से मेकअप कर रहे हो तो मेकअप में क्रैक्स नहीं आएंगे, बहुत देर तक मेकअप रहेगा, तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं ऑफ अप्लाइंग वाटर जेल बिफोर डूइंग मेकअप। तो मैंने यहाँ पे न्यूट्रोजिना का हाइड्रो बूस्ट वाटर जेल ऑर्डर किया है और इसकी क्वालिटी इज रियली नाइस, यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस आउट। थोड़ा एक्सपेंसिव है बट आपको ऑफर में मिल जाएगा, मैंने भी ऑफर में ही लिया है। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अगेन फ्रॉम न्यूट्रोजिना, दिस इज अ ब्लैक हेड रिमूवर स्क्रब। मैंने इसको 1 से 2 बार यूज किया है, अभी तक कुछ हार्श वगैरह तो नहीं लगा है मेरे को स्किन में, बट कुछ ज्यादा फर्क भी नहीं लगा है, बट 1-2 बार यूज किया है तो मैं एकदम कंक्लूजन में भी नहीं आना चाहती। सो इसलिए मैं इसको थोड़ा और यूज करूंगी, देन मैं इसका सही रिव्यू दूंगी कि एक्चुअल में काम करता है या नहीं, बट अभी तक बिल्कुल भी स्किन में इरिटेशन वगैरह नहीं हुई है, तो आई कंसिडर इट एज अ गुड प्रोडक्ट। बट ये इफेक्टिवली ब्लैक हेड रिमूव करता है या नहीं, दैट वी विल सी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो एक फ्री प्रोडक्ट है। सो जब मैंने वो वाटर जेल एंड स्क्रब ऑर्डर किया था बाय न्यूट्रोजिना, तो मुझे ये न्यूट्रोजिना का मेकअप रिमूवर वाइप्स फ्री मिला था। इसमें 25 वाइप्स मिल जाएंगे आपको और इसकी MRP है 495, बट आई गॉट दिस एज अ फ्री प्रोडक्ट। मैंने अभी तक एक बार इसको यूज़ किया और ये अच्छा खासा मतलब मेरे जो मस्कारा है ना वो पूरा वाटरप्रूफ है, उसको भी रिमूव कर दिया था, तो आई कंसिडर इट एज अ गुड प्रोडक्ट। बट 495 थोड़ा एक्सपेंसिव है, मुझे फ्री में मिला इसलिए मैंने ले लिया, अदरवाइज मैं 495 नहीं देती 25 मेकअप वाइप्स रिमूवर के लिए। उसके बहुत ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स है जिससे आप यू नो मेकअप रिमूव कर सकते हो। सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है दैट इज़ अ काजल बाय नायका और नायका ब्रांड का ही है, तो मुझे ये ट्राई करना था, मैंने इसकी तारीफ़ें सुनी थी तो मुझे ट्राई करना था, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर कर लिया और काफ़ी अफोर्डेबल भी है, बट अगर स्मच प्रूफ हुआ तो मेरे लिए काम का है, अदरवाइज़ मैं ब्लैक काजल अगर स्मच प्रूफ ना होना तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं उसको यूज़ नहीं करती। सो लेट्स सी। ओके,
द पिगमेंटेशन इज रियली नाइस. एक स्वाइप में आप देख सकते हो कितना डार्क कलर आया है. सो पिगमेंटेशन इज रियली नाइस. लेट्स सी स्मच प्रूफ है या नहीं. तो मैं 2 से 3 मिनट वेट करूंगी, देन आई विल सी. नेक्स्ट प्रोडक्ट है दैट इज अगेन फ्रॉम नाइका ब्रांड और काफी क्यूट प्रोडक्ट है. दैट इज देयर मैक्रॉन लिप बाम. सो आई हैव ऑर्डर्ड इन द मिंट फ्लेवर. कलर बहुत प्यारा है, पैकेजिंग बहुत प्यारी है. यू कैन ट्राई दिस वंस, बट उतना मॉइस्चराइजिंग नहीं है. तो इट्स अ ओके प्रोडक्ट इफ़ यू वॉन्ट टू, यू नो, मेरे को इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी थी इसलिए मैंने इसको ऑर्डर कर लिया. अदरवाइज इट्स नॉट दैट ग्रेट प्रोडक्ट. यू कैन ट्राई दिस बट आई विल नॉट रिकमेंड दिस प्रोडक्ट इफ़ यू वॉन्ट इट फॉर मॉइस्चराइजिंग योर लिप वेरी वेल. और अभी तो विंटर सीजन है तो उसमें तो एक्स्ट्रा मॉइस्चर चाहिए होती है. तो दैट इज़ वाई आई विल नॉट रिकमेंड दिस प्रोडक्ट फॉर नाउ. समर्स में यू कैन ट्राई दिस. सो या लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है नायका का आई शेडो पैलेट. इसमें आपको 10 डिफरेंट शेड ऑफ आई शेडोज मिल जाएंगे. और मैंने इसमें ऑर्डर किया है सन डाउनर्स टनर. इसमें काफ़ी कोरल ब्राउन एंड पिंक कलर और मेटालिक कलर्स थे जो इंडियन आउटफिट को बहुत अच्छा यू नो लुक दे देंगे. और अभी क्योंकि वेडिंग सीजन है तो इन कलर्स की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है. और मैंने इससे ऑलरेडी एक आई लुक क्रिएट किया था जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी थ्रू अ शॉर्ट जल्दी ही. सो स्टे ट्यून्ड. और जैसे कि आप देख सकते हो इन सारे कलर का पिगमेंटेशन इज़ रियली गुड और बिल्कुल भी केकी और पाउडरी नहीं है. सो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दिस स्पेशली इन दिस वेडिंग सीजन. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट. नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस लैक्मे एब्सोल्यूट लिक्विड हाइलाइटर इन दिस शेड रोज गोल्ड. ये मेरा फेवरेट हाइलाइटर है नाउडेज. बिल्कुल भी केकी नहीं लगता है, बिल्कुल भी यू नो चौकी काइंड ऑफ इफेक्ट नहीं देता है. बहुत अच्छा ग्लो आता है. आप मतलब थोड़ा सा अप्लाई करो. मैंने यहाँ पे जो हैंडमेड स्वॉच दिखाया है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है, बट आप थोड़ा सा अप्लाई करो, इतना अच्छा ग्लो देगा ना. बींग डे टाइम नाइट टाइम एकदम फैन हो जाओगे आप इस हाइलाइटर के. आई बेट यू आफ्टर यूजिंग दिस. सो यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दिस. नेक्स्ट प्रोडक्ट है ना, इसकी तारीफें मैंने बहुत सुनी है अदर यूट्यूबर्स से. सो दैट इज़ द एल्फ का आई शेडो पैलेट. एवरी वन वॉज सेइंग दैट ये आई शेडो पैलेट इतने कम प्राइस में इतना मतलब अच्छी क्वालिटी देता है एंड ऑल. तो मैंने ये कलर ऑर्डर किए थे क्योंकि मुझे मेरे पास ना ये वाले कलर्स नहीं होते ज़्यादा. ये स्मोकी आई क्रिएट करने के लिए बहुत अच्छे कलर्स हैं. ओके एक्चुअली सच बोलूँ तो मेटालिक कलर का तो मुझे एक्सपेक्टेशन था कि पिगमेंटेशन अच्छी होगी. जब सब इतनी तारीफ कर रहे तो पिगमेंटेशन वगैरह अच्छी होगी. बट आई एम शॉक विद द लाइट कलर बिकॉज बाकी आई शेडो पैलेट जो मेरे पास है उसमें लाइट कलर में इतना अच्छा पिगमेंटेशन नहीं आता जितना इसमें आया है स्किन कलर वाले में. सो ये बहुत अच्छा होने वाला है फॉर सेटिंग माई आईज एंड ऑल. तो बहुत अच्छा और केकी नहीं है द बेस्ट पार्ट. बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट लेट्स सी कि मैं हम लोग का काजल है उस स्मच प्रूफ जो टेस्ट है वो पास करने वाला है या नहीं. या दिस इज स्मच प्रूफ बट थोड़ा सा ये फैल रहा है इफ़ यू सी, क्योंकि मैंने इसको अच्छा खासा टाइम दिया है, 2 से 3 मिनट दिया. अगर उसमें भी ये ड्राई नहीं होता है तब फिर तो भाई ये स्मच प्रूफ नहीं है. बट हाँ इट्स नॉट गेटिंग यू नो मेसी एट ऑल. थोड़ा सा कलर लाइटन अप हो जा रहा है बट मेसी मेस क्रिएट नहीं हो रहा है यहाँ पे. सो दैट इज़ अ गुड थिंग. लेट्स सी ये वाटर प्रूफ है या नहीं. दिस इज़ वाटर प्रूफ. दिस इज़ अ गुड काजल. यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इट ऑन ऑल इन. सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है दैट इज़ अगेन फ्रॉम नायका ब्रांड. दैट इज दिस वन इज देयर लिपस्टिक नायका ऑल डे मैट. सो दिस इज़ अ नाइस कलर, नाइस लिपस्टिक, एवरीथिंग इज नाइस बट इट इज़ लिटिल ड्राइंग ऑन लिप्स. मैंने इसको अप्लाई किया था एक बार. कलर इज़ रियली नाइस इफ़ यू सी. मुझे इस टाइप के कलर्स बहुत पसंद है और क्वालिटी इज़ रियली नाइस बट थोड़ा ड्राइंग है. सो यू हैव टू मॉइस्चराइज योर लिप्स रियली वेल. अदरवाइज द प्रोडक्ट क्वालिटी इज़ गुड, कलर इज़ रियली गुड एंड रियली अफोर्डेबल. सो यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दिस एज वेल. सो या लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट. सो गाइस द नेक्स्ट प्रोडक्ट है दैट इज़ अ हेयर केयर प्रोडक्ट. सो ये है लॉरियल ड्रीम लेंथ हेयर क्रीम. जब भी फिर शैम्पू करती हूँ आफ्टर दैट आई जस्ट अप्लाई इट ऑन माई वेट हेयर एंड पूरे दिन मेरे हेयर बहुत सॉफ्ट रहते हैं. इसकी पैकेजिंग काफ़ी सही है. प्राइस वाइज जो क्वांटिटी आपको मिल रही है वो बहुत सही है. आपको बस इसको अपने हेयर लेंथ में लगाना है और स्कैल्प में नहीं लगाना है. एंड इफ़ आई गिव यू माय ओपिनियन और सजेशन, आप अपने स्कैल्प में कभी भी कोई ऐसा प्रोडक्ट मत लगाया करो. मैं अपने स्कैल्प में सिर्फ शैम्पू, हेयर ऑयल एंड जो DIY मैं बनाती हूँ जो नेचुरल प्रोडक्ट्स के होते हैं सिर्फ वो अप्लाई करती हूँ. उसके अलावा कुछ अप्लाई नहीं करती क्योंकि स्कैल्प बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है. वहाँ पर अगर कोई इन्फेक्शन हो गया या कुछ रिएक्शन हो गया ना तो बहुत इशू होती है. मेरे साथ हुआ हुआ है इसलिए मैं यू नो थोड़ा संभल के चलती हूँ उस मामले में. दिस कैन वर्क एज अ हीट प्रोटेक्शन एज वेल बट
अगर आप एक्चुअल में कर्लिंग, ब्लो ड्राइंग, स्ट्रेटनिंग बहुत ज़्यादा करते हो, देन आई विल सजेस्ट यू टू इन्वेस्ट इन अ गुड हीट प्रोटेक्शन, मतलब जो हीट प्रोटेक्शन के लिए ही बना हुआ है. ये हीट प्रोटेक्शन के लिए नहीं बना हुआ है, ये आपके हेयर को सॉफ्ट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एंड यू नो यू कैन यूज़ इट एज अ हेयर सीरम, बट ये हीट प्रोटेक्शन, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन अ गुड हीट प्रोटेक्शन, देन आई सजेस्ट यू टू गो फॉर बी ब्लंट हॉट शॉट. आई हैव दैट प्रोडक्ट एंड दैट इज अ रियली रियली नाइस प्रोडक्ट. सो दिस इज नॉट अ नाइका परचेज, आई हैव बॉट इट फ्रॉम देयर ओन साइट, बी ब्लंट का साइट, क्योंकि वहाँ पे ऑफर चल रहा था. सो यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दिस. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट. सो गाइस, द नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द हॉल इज समथिंग विच इज अ एसेंशियल हेयर केयर प्रोडक्ट, दैट इज अ शैम्पू एंड हेयर मास्क. ये बहुत ही अच्छा शैम्पू और हेयर मास्क है. सो इफ यू हैव लॉन्ग हेयर तो ये उसके लिए होता है, टू प्रोटेक्ट योर हेयर लेंथ एंड टू रिपेयर योर डैमेज हेयर. सो दिस इज, ये मेरी सेकेंड बॉटल है. दिस इज अ लॉरियल प्रो लॉन्गर शैम्पू एंड द सेम ब्रांड का मैंने हेयर मास्क भी लिया है. सो वेन एवर आई डू शैम्पू आई अप्लाई हेयर मास्क एज वेल. सो ये भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम गुड शैम्पू एंड हेयर मास्क, यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दिस. सो गाइज, ये था मेरा नाइका हॉल. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. मैंने हर तरह के प्रोडक्ट, स्किन केयर, मेकअप और हेयर केयर प्रोडक्ट को इंक्लूड करने की कोशिश की है. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू डिड, प्लीज हिट द लाइक बटन. लेट मी नो योर थॉट्स ऑन द कमेंट सेक्शन अबाउट द वीडियो एंड शेयर इट टू योर लव्ड वंस. एंड अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे ट्यून्ड. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Bye-bye.